हेलो फ्रेंड्स, यह है पाठ योजना 8 है और विषय है वाणिज्य, प्रकरण है बाजार, इसका रहेगा कालान शब्दी और इधर आएगा दिनांक कक्षा, फिर है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद है शिक्षण सामग्री, पूर्व ज्ञान, ये इसका पूरा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट है लेसन प्लान का। सबसे पहले आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, ये 5 हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा वो समस्यात्मक प्रश्न होगा और ये सहायक सामग्री विधि प्रविधि है। फिर आते हैं विकासात्मक प्रश्नों पर, ये हैं विकासात्मक प्रश्न और इनके उत्तर हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है समस्यात्मक प्रश्न। फिर आते हैं छात्र अध्यापक कथन, इसमें बाजार के विषय में बताएंगे, ठीक है। बाजार का अर्थ, ये होगा हमारा शिक्षण बिंदु। श्याम प्रसार है और एक मूल्यांकन प्रश्न। फिर आते हैं अगले विकासात्मक प्रश्नों पर, ये नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न है और इनके उत्तर हैं। फिर है अगला शिक्षण बिंदु, बाजार की विशेषताएं, इसमें बाजार की विशेषताएं बताएंगे। यह है अगले विकासात्मक प्रश्न। फोर्थ क्वेश्चन है बाजार के वर्गीकरण को समझाए, ये समस्यात्मक प्रश्न है और बाजार के वर्गीकरण में हम वर्गीकरण लिख देंगे बाजार का। ये श्याम प्रसार है और एक मूल्यांकन प्रश्न। फिर ये फोर्थ नंबर के विकासात्मक प्रश्न है। फिफ्थ क्वेश्चन होगा बाजार के महत्व के विषय में बताइए, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर अगला शिक्षण बिंदु है बाजार का महत्व, इसमें बाजार के महत्व के विषय में बताएंगे। और इस इधर आएगा श्याम प्रसार और एक मूल्यांकन प्रश्न। फिर अगला शिक्षण बिंदु है लिखित व निरक्षरकार, और शिक्षण उद्देश्य है लेखन कौशल का विकास। छात्र अध्यापक क्रिया में आएगा श्याम प्रसार, छात्रा क्रिया छात्रा श्याम प्रसार को उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। फिर अगला शिक्षण बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न का, इसमें कुल 4 या 3 क्वेश्चन मूल्यांकन के पूछेंगे। ये है मूल्यांकन प्रश्न और इनके उत्तर हैं। फिर हमारा लास्ट जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा गृह कार्य, इसमें छात्र अध्यापिका छात्रा को गृह कार्य करने को देगी। यह है गृह कार्य। ठीक है, ये था हमारा कॉमर्स का लेसन प्लान। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।